हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली में ईडब्ल्यूएस स्कूल के फॉर्म कैसे भरें। तो आइए आज हम जानते हैं कि उन फॉर्म को कैसे भरा जाता है जो ईडब्ल्यूएस या एससी कैटेगरी के लिए निकलते हैं बच्चों के लिए। तो सबसे पहले इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट पे कैसे आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप गूगल खोल लीजिएगा अपने मोबाइल में। मोबाइल हो मोबाइल से भी आप कर सकते हैं, लैपटॉप है लैपटॉप से भी आप कर सकते हैं। गूगल में जा कर के आप सीधा लिख दीजिएगा EDU DEL। आप ये लिखेंगे, सबसे ऊपर आपकी ये वेबसाइट आएगी www.edudel.nic.in। इसको ओपन कर लीजिए। इसको ओपन करके आप देखेंगे यहाँ पर आ रहा है आपका EWS DG एडमिशन एंड EWS फ्रीशिप एडमिशन। इस पर आप क्लिक कीजिए। इस पर ये आपका ओपन हो गया पेज। इस पर सबसे पहले हम इस पर क्लिक करना है अगर हमारी पहले कोई आईडी नहीं है। यदि आपने पहले कोई आईडी बनाई हुई है इसी वेबसाइट पे इसी के लिए तो आप इस पर क्लिक करेंगे। हमने कोई आईडी नहीं बनाई हुई है तो हम सबसे पहले नंबर एक पर क्लिक करेंगे, नए आवेदनकर्ता के लिए पंजीकरण नर्सरी प्री स्कूल से कक्षा एक तक। यानी कि आपका बच्चा यदि 3 साल का है या 4 साल का है 5 साल का है तो आप उस हिसाब से फॉर्म भर सकते हैं। 3 साल का है तो नर्सरी और 4 साल का है तो KG और 5 साल का है तो क्लास 1 के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं अपने, अब हम आ गए हैं इस पर फॉर्म की शुरुआत में। और फॉर्म की शुरुआत से पहले मैं आपको ध्यान दिला दूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें मैंडेटरी है। आप सबसे पहले अपने बच्चे का और माता पिता का आधार कार्ड निकाल लें क्योंकि उनका आधार कार्ड नंबर डलेगा जो कि मैंडेटरी ही है। और एससी सर्टिफिकेट निकाल लें बच्चे के पिताजी का, और यदि वो नहीं है तो आपके पास यदि इनकम सर्टिफिकेट है तो वो निकाल लें क्योंकि ये EWS मतलब कि या तो आपको इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत है या फिर एससी सर्टिफिकेट की। तो चलिए हम इसमें भरते हैं फॉर्म कैसे भरना है। जैसे बच्चा हमारा 3 साल का है तो हम इसमें भरेंगे नर्सरी, यदि 4 साल का है तो KG और 5 साल का है तो क्लास 1। तो हम नर्सरी भर लेते हैं और यहाँ पर हम नाम डालेंगे जैसे बच्ची का नाम है रियंका, लास्ट नेम कुमारी, मोबाइल नंबर हम डाल देंगे और ईमेल आईडी डाल देंगे जस्ट। ईमेल आईडी डालिएगा क्योंकि ईमेल आईडी पर भी आपका इन्फॉर्मेशन आएगी जब इसके ड्रॉ होंगे। तो ये सब चीज़ें बहुत केयरफुली डालें क्योंकि एक बार अगर आपने फाइनल सबमिट कर दिया तो आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। तो डॉक्यूमेंट में देखकर ही डालें जो भी आपको डालना है। यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए कि जन्म तिथि का प्रमाण पत्र आप क्या देंगे, बर्थ सर्टिफिकेट हो गई, और कितनी इनकम है फैमिली की। तो फैमिली की जितनी इनकम है उसी हिसाब से आप यहाँ पर डालिएगा। जैसे कि अगर 96,000 है ईयरली या फिर जिसकी जितनी है वो इस हिसाब से डालिए। यदि आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो EWS पे क्लिक करें, और यदि आपके पास SC सर्टिफिकेट है तो DG पर क्लिक करें। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से कीजिएगा। इसको आप यहाँ पर आप भरेंगे तो आपके पास SC सर्टिफिकेट है, या अगर OBC सर्टिफिकेट है या ST सर्टिफिकेट है, जो भी आपके पास है आप उस पर ही क्लिक करें। SC सर्टिफिकेट है SC पे क्लिक करें। और यहाँ पर ये कह रहा है जो DG यानी प्रमाण पत्र है वो कौन से डिपार्टमेंट से है, तो आपका जो SC सर्टिफिकेट होता है वो हमेशा रिवेन्यू डिपार्टमेंट से होता है। ये देखिए रिवेन्यू डिपार्टमेंट, और ये आपका SC सर्टिफिकेट जो है वो बन चुका है या फिर आपने अभी बनने के लिए दिया हुआ है। अगर बन चुका है तो इश्यूड पे क्लिक करेंगे, और बनने के लिए दे रखा है तो अप्लाइड स्कोर पे करेंगे। इश्यूड पे आपने क्लिक किया तो आपको उसका सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा जो भी उसका नंबर है, और वो किस तारीख को वो जारी किया गया है। तो जैसा कि हम भर चुके हैं इस पर हम रजिस्टर पर क्लिक करेंगे और फिर अगले पेज पर चलेंगे। और फिर अगला अब आगे देखने के लिए आपको देखना होगा इस वीडियो का पार्ट 2।